उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल देर रात बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने AK-47 से हमला कर दिया। हमलावरों ने तेवतिया के काफिले पर अंधाधुंध करीब 100 राउंड फायरिंग की। इस हमले में बीजेपी नेता तेवतिया के साथ करीब 6 उनके रक्षक भी घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से जख्मी तेवतिया को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हमला उस दौरान हुआ जब तेवतिया मुरादनगर से कवि नगर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने इस मामले में एक महिला कांस्टेबल समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने AK-47 2.9 mm पिस्टल राइफल सहित कई हथियार बरामद किए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल फॉर्चून कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह के मुताबिक जांच में सामने आया है कि इस वारदात को निजी दुश्मनी की वजह से अंजाम दिया गया है। वह इस मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। तेवतिया पर हमले की घटना के बाद आज सुबह जनरल वीके सिंह तेवतिया को देखने फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। वीके सिंह ने कहा कि ऑपरेशन के बाद अब उनकी हालत स्थिर है। साथ ही सिंह ने यूपी में लचर कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा भी रात 12 बजे तेवतिया को देखने पहुंचे थे। यूपी में कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेखौफ हमलावर AK-47 से खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखते रहिए GB Live।